बच्चों बलूचिस्तान में आज नेशनल हर्ब एंड स्पाइस डे मनाया जा रहा है, जैसे कि पीछे आपको पोस्टर नजर आ रहा है। इसी में शमूलियत की है फाउंडी के स्टूडेंट्स ने और साथ ही साथ बीएमएस के स्टूडेंट्स ने, और टीचर्स ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हर्ब एंड स्पाइस डे कैसे मनाया जा रहा है। स्टूडेंट्स ने डिफरेंट मॉडल्स बनाए हैं और साथ ही साथ काफी सारे पोस्टर्स बनाए हुए हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने देनी है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द हॉल। मेरा नाम डॉक्टर शफी मोहम्मद है। मैं बहसियत एसोसिएट डीन फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी की तरफ से हर्ब डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हर्ब हैं, उनकी अफादियत को उजागर करने के लिए स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ पोस्टर्स लगाए हैं, मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए हैं और मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए हैं, और इन प्लांट्स की यानी हर्ब्स की और मेडिसिनल प्लांट्स की अफादियत को पहुंचाने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। इसमें स्टूडेंट अपनी सलाहियतों को बरूरकार लाते हुए डिफरेंट प्लांट्स को प्रेजेंट करेंगे और उनके बारे में आगाही मुहिम देंगे कि वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लाइफ में और इनको हम मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अहम शोबा है फार्मेसी का, जिसमें हम कुदरती जो हमारे पास प्लांट्स हैं और दूसरे मिनरल्स हैं, इनसे हम किस तरह बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। ये तरीका इलाज बहुत सस्ता है और आसानी से अवेलेबल है, तो इस वजह से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। मैं ईस्टर्न मेडिसिन के तलबा और फार्मेसी के तलबा को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया और एक आगाही मुहिम का आगाज किया। यहाँ पर चार फेजेज है, देखो 1, 2, 3, 4। तो पहले फेज में हमारे पास सॉल्वेंट पड़ा होता है जिसको मोबाइल फेज कहते हैं, दूसरे फेज में हमारे पास और एक हमारे रिसर्चर हैं, उन्होंने अपने पीएचडी पे ये ड्रग्स डिस्कवर किए, जो 110 ड्रग्स है जो मकरान में डिस्कवर हुए। मेन थिंग जो है लाइफ इज डिलाइटेड बाय नेचर। इसमें जो है मैं इससे तो बहुत सारे ड्रग्स है, लेकिन मैंने इसमें दो ड्रग्स प्रेजेंट किए, एक एलोवेरा है और एक पेपरमिंट है। इसका नाम फेटिजियस लिवेकिका है और ये क्रोनिक हार्ट डिजीज के लिए काम करता है। फार्मेसी ग्रुप 1, फार्मेसी ग्रुप 3, बीएमएस ग्रुप 2, ये रहेंगे बाकी नाम।